अब हम शुरू करते हैं एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लेट्स डू इट देन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की एबीसीडी पढ़ते हैं जो आपको एक्चुअली बहुत काम आएगी। ओके चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एबीसीडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब क्या है, देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यस, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं आपस में और प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, फोकस करना। ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग सब्सट्रेट कहते हैं, दूसरे को हम लोग रिएजेंट कहते हैं। वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं। और यहां पर आपको जो पाथ दिखाई दे रहे हैं, पाथ ए पाथ बी, जिससे ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, बेसिकली उसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, और उसके पाथ अलग अलग हो सकते हैं। किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इन पाथ को ही बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमें सीखना होता है।